वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज. गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई. हमें दो इक्वेशंस लिखनी हैं लाइंस की जो एक ही पॉइंट से पास कर रही हूं. फिर उसने पूछा हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई. जो दो लाइंस हमने ड्रा की हैं, इन दो लाइंस के अलावा और कितनी लाइंस इस पॉइंट से गुजर सकती हैं और क्यों. तो सबसे पहले हम दो इक्वेशंस लिखेंगे दो लाइंस की जो एक ही पॉइंट से पास कर रही हूं. तो कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं. मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं. इस पॉइंट से एक ये लाइन जा सकती है ऐसे, ये दूसरी लाइन, इसी तरह से. और हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं. इनफिनाइट मतलब अनगिनत, 100 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा, लाख से भी ज्यादा, करोड़ से भी ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी लाइंस इस पॉइंट से गुजर सकती हैं. हमने दो इक्वेशंस लिखनी हैं. तो मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है. तो दो क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं, टू क्वेश्चंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट. कैन बी, एक हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई. पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहां हमने 2, 1 ले लिया, 5, 6 ले सकते हैं, -1, -2 ले सकते हैं, कोई भी. तो x प्लस वाई कितना होगा इस पॉइंट के लिए, 2 प्लस 1, 3. तो ये जो क्वेश्चन है ये 2, 1 से गुजरेगी क्योंकि ये 2, 1 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है. एक्स 2 और वाई 1 मिलकर हो जाएगा 3, 3 इक्वल टू 3, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गई. तो इट मीन्स ये 2, 1 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो एक और क्वेश्चन लिखनी है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे. अब हम ऐसे ले लेते हैं 2x - y = ये देखते हैं कितना होता है, 2 × x, x हमारा 2 है, 4 - y, y हमारा 1 है, 4 - 1, तो ये भी हमारा चलो इधर 3y लिख लेते हैं क्योंकि इधर भी 3 आ रहा है जहां डिफरेंट करने के लिए. 2x - 3y देखते हैं कितना होता है, 2 × 2, 4 - 3 × 1, 3, 4 - 3, 1. तो ये दूसरी क्वेश्चन 2x - 3y = 1, ये भी इस 2, 1 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है. तो हमने दो क्वेश्चंस लिख ली जो दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही हैं 2, 1 को, मींस दोनों लाइंस इस पॉइंट से गुजर रही हैं. तो ये हमने लिख लिया. इस तरह से हम और भी बहुत सारी क्वेश्चंस लिख सकते हैं. हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सच लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट. कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं. बाय, क्यों, बिकॉज थ्रू ए पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास. तो ये आपने रीजन लिखना है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. यह इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a.
ये जो पॉइंट है 3, 4 ये इस इक्वेशन के ग्राफ पर है ये पॉइंट, तो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में डाल देनी है, तो जो ए की वैल्यू निकलेगी वो हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन, वी हैव 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7 एंड 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 है। देयरफॉर 3 इंटू वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 7, वाई हमारा 4 है और एक्स हमारा 3 है, विच इंप्लाइज 12 इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, विच इंप्लाइज 12 माइनस 7 इक्वल टू ए एक्स, विच इंप्लाइज 5 इक्वल टू ए एक्स, सॉरी एक्स हमारा है 3, यहां 3 लिखना है 3a, यहां 3a, x की जगह 3 लिखेंगे और ये हुआ 12 माइनस 7 5, ये है 3a, विच इंप्लाइज 3a इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज a इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में x की जगह 3 डालना है और y की जगह 4, ये 3y, y आ गया हमारा 4 इक्वल टू a x, x आ गया हमारा 3 प्लस 7, a इंटू 3, 3a प्लस 7, फिर 3a इधर ही रहा, 7 को इधर लेके माइनस 7 हो गया, ये 5 हो गया, 3a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 अपॉन 3। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, किसी शहर में टैक्सी का किराया इस तरह से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज रुपीज y, राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड राइट्स ग्राफ। तो टैक्सी का किराया है, पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, अगर 1 किलोमीटर जाना हो तो 8 रुपए, उसके बाद 2 किलोमीटर जाना हो तो 5 रुपए ऐड हो जाएगा, मतलब 8 प्लस 5 13, 3 जाना हो तो 5 और मतलब 18, इस तरह से किराया है। पहले किलोमीटर के लिए 8 लगेगा, बाकी नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए 5-5 ऐड होता जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है और डिस्टेंस कवर्ड को हमने x किलोमीटर लेना है और फेयर को लेना है y। तो हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इज, ये जो फेयर है y, ये है 5 रुपए, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, मतलब 5 प्लस 3 प्लस 3 ये हमने लिख लिया, बाकी दूसरे किलोमीटर के लिए 5, तीसरे के लिए 5, तो पहले के लिए 5 प्लस 3 8, तो अगर 1 किलोमीटर जाना होगा तो इतना होगा, 2 किलोमीटर जाना होगा तो इतना, 2 इंटू 5 प्लस 3, तो 3 किलोमीटर जाना होगा, 3 इंटू 5 प्लस 3 मतलब 15 और 3 18, तो जितने किलोमीटर जाना होगा उसके साथ इस 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो किलोमीटर x किलोमीटर जाना होगा तो जहां x आ जाएगा, तो 2 की जगह हम यहां x लिखेंगे, ये इक्वेशन हमारी बनेगी। क्या फेयर होगा? जितना डिस्टेंस होगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर किलोमीटर के लिए रुपये 5 लगता है किराया, लेकिन पहले के लिए 8 रुपये है, इसलिए प्लस 3, पहले किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा 3 रुपये है वो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारी क्वेश्चन बनती है इस सिचुएशन की। अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो इसी को हम क्वेश्चन नंबर 1 रखेंगे, अगले पेज पे द्वारा लिख लेते हैं, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो अब हम एक टेबल ड्रा करते हैं दो रोज और चार कॉलम का, एक जहां हम एक्स लिखते हैं यहां वाई, एक्स की वैल्यू हम वन ले लेते हैं, एक जीरो ले लेते हैं, एक माइनस वन, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स हमने वन लेना है तो ये हमें मिल जाएगा फाइव प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू एट, वन के लिए y आया हमारा एट। फिर पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, वी गेट y इक्वल टू फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स हमने जीरो लेना है, फाइव इंटू जीरो जीरो प्लस थ्री दैट इज थ्री, जीरो के लिए थ्री आ गया भाई। पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, वी गेट वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री, एक्स हमने माइनस वन लेना है, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव प्लस थ्री, माइनस फाइव प्लस थ्री इक्वल टू माइनस टू, तो ये तीनों पॉइंट्स आ गए, पहला पॉइंट वन एट, दूसरा पॉइंट जीरो थ्री, तीसरा पॉइंट माइनस वन माइनस टू। तो अब हमें ग्राफ ड्रा करना है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वन और मिनिमम वैल्यू है माइनस वन, वाई की मैक्सिमम वैल्यू एट और मिनिमम वैल्यू माइनस टू, तो वर्टिकल एक्सिस थोड़ा सा लंबा ड्रा करना पड़ेगा और पॉजिटिव साइड ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि पॉजिटिव साइड में आठ तक जाना है और नेगेटिव साइड में दो तक ही जाना है। तो ये हम इस तरह से ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन, जीरो वन टू थ्री फोर सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, मार्किंग और नंबरिंग हो गई। अब पहला पॉइंट है वन एट, तो वन ये आ गया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एट ये आ गया, तो ये पॉइंट आएगा इधर से वन के सामने और इधर से एट के सामने, ये आ गया हमारा पॉइंट वन एट। दूसरा पॉइंट है जीरो थ्री, ये आ गया एक्स जीरो और ये आ गया वाई थ्री, तो ये पॉइंट आ गया हमारा वाई एक्सिस पर। उसके बाद माइनस वन माइनस टू, ये है हमारा माइनस वन एक्स एक्सिस पर और ये है माइनस टू वाई एक्सिस पर, तो ये पॉइंट इधर होगा, तो माइनस टू इधर लिख देते हैं ये वाला, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा इन तीन पॉइंट्स को जॉइन करके, ये आ गया हमारा ग्राफ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हमारी y इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री, तो वन एट पॉइंट हमारा ये है, फिर जीरो थ्री ये है, और माइनस वन माइनस टू ये है, ये आ गई हमारी फिगर 1.1 ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फोर होगा, क्वेश्चन नंबर फोर तक आप कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करूंगा।